हाय यूट्यूब फ्रेंड, मेरे चैनल में सविता शर्मा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरा छोटी वाली लड़की का बर्थडे है, 11 मार्च है आज, तो आज उसका बर्थडे है और 10 साल की आज हो जाएगी। तो उसके घर में छोटे से पार्टी रखी हूँ, बच्चों को बुलाई हूँ, उसके फ्रेंड लोग को बुलाई है। तो मैं उसकी खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, रेसिपी बनाऊँगी थोड़ा, और खीर पूरी और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं आपको रेसिपी दूंगी खीर पूड़ी की और पनीर की सब्जी की, तो बने रहिए मेरे चैनल में और थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया, कमेंट भी कीजिए। ये देखिए, मैं दूध खीर के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ, बहुत देर से दी हूँ कम करके, तो दूध खोल रहे हैं और थोड़ा खोलाऊँगी मैं इसे थोड़ा लाल होने तक। तो मैं इसमें इलायची कूट के दे देती हूँ, ये देखिए इलायची, मैं कूट लेती हूँ। मैं छिलके नहीं दूंगी, सिर्फ उसके दाने दूंगी। तो ये मैं खीर में दे दी हूँ, अभी फ्लेवर आएगी इसमें। देखिए, चलिए ये देखिए, ये मैं चावल खीर वाले चावल को धो के वॉश करके थोड़ी सुखा ली हूँ। अब मैं इसमें ना घी मिक्स कर देती हूँ, उसको मैं मिक्स करके थोड़ी भून लूँगी, फिर मैं खीर में डालूँगी इसे। ये देखिए, मैं कढ़ाई में चावल दे दी हूँ घी मिक्स करके, घी सौन के इसमें, और थोड़ा सा भून लूँगी, बस 1-2 मिनट भूनूँगी कम आँच करके, मेरी आँच धीमी है। देखिए और इधर दूध खोल रही है, और मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ सब दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनती है। ये 2 लीटर दूध है, ये देखिए मेरी चावल भुन गई है ऑलमोस्ट। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, ये दूध भी खोल गया, अब इसमें मैं इसको डाल दूंगी चावल को, तो चावल के साथ पकते रहेगा। चावल मैंने चावल खीर में डाल दिया है, अब ये पकते रहेगी इसमें धीमी आंच पे, तब तक मैं ये नारियल और ये काजू को काट लेती हूँ। मैं नारियल को क्रश करके दूंगी और काजू को थोड़ी भून लूँगी, उसके बाद डालूँगी मैं इसको कढ़ाई में, थोड़ी घी में भून लूँगी, गैस चलाती हूँ। ये देखिए मेरी खीर गाढ़ी हो गई है, इधर मैं काजू भून के काट ली हूँ और इधर नारियल कोकोनट को मैं कद्दूकस कर ली हूँ। अब आज क्यों, ये खीर पक गई है, मुझे लग रहा है बंद कर देना चाहिए कि और गाढ़ने सूख जाएगी खुद खीर। इसमें मैं ये मैं नारियल
डाल दे रही हूँ। नारियल देके थोड़ा पकाऊंगी मैं इसको, 2-3 मिनट और धीमी आंच पे। मैं ये काजू भी डाल देती हूँ। मैं काजू डाल दी और ये देखो जिसको मैंने खाना दिया बर्थडे गर्ल को, तो खाना आधा छोड़ दिया है, बोल रही बहुत पेट भर गया और मैं नहीं खाऊंगी। रखो वहाँ पे, कुछ बोलना है क्या? बोलना है हाय कर दो। ये बर्थडे गर्ल है, आज का बर्थडे गर्ल के लिए खीर बन रही है। खीर तो पक गई है, अब इसमें मैं चीनी मिलाती हूँ। ये 1 प्लेट चीनी दूँगी, ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी। इतनी चीनी 1 प्लेट में इसमें डाल दे रही हूँ। मिक्स कर दे रही हूँ इसको। मैंने गैस ऑफ करी करके ही चीनी डालना है, डाली हूँ। मुझे बोलने भी नहीं आता है। ये देखिए मेरी खीर बन गई है और यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। ये मैं बर्थडे गर्ल को देती हूँ खाने के लिए। ओए गिर चम्मच। चीनी गल गई है इसमें। अब मैं थोड़ी सी उसको मीठा कराती हूँ, उसका मुंह बर्थडे गर्ल को। प्रज्ञा ये खीर खा के देखो, टेस्ट करके उठो जल्दी, टेस्ट करो कैसा गिर जाएगा, टेस्ट करके बताओ फ्रेंड को। फुक्के गर्म है, टेस्टी है, अच्छी लगी। हाँ गरम गरम मुँह जल जा रही है। कुछ बोलना है बोलो। नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं बोलना है। हाय बाय बोलो। बाय 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 बाय।